मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सिउनी पहुंचे, जहां पीड़ित आदिवासी परिवार से मिले। बता दें, सिउनी जिले के कोरई थाना अंतर्गत आने वाले सिमरिया और सागर गांव के दौरे पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ और पूर्व मंत्री तरुण भनोट रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस जांच दल के साथ मिलकर 3 दिन पहले हुए हत्याकांड की जांच की। दरअसल सिमरिया गांव में कुछ लोगों के द्वारा 2 आदिवासी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई भाजपा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नकुलनाथ ने मामले की न्यायिक जांच की मांग कही है। शिवराज सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जगह जगह आतंक के स्कूल खोलकर आतंकवादी पैदा कर रही है और इस आतंकवाद फैलाकर हमारे आदिवासी भाइयों पर जुल्म ढालने के, उनको डराकर पीटकर और निर्मम हत्या करके क्रूरतम मध्य प्रदेश में आगामी सरकार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में आदिवासी भाइयों को, गरीब तबके के लोगों को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है गौ हत्या के नाम पर, गौ मास के नाम पर, जबकि आदिवासी भाई उनके सबसे पूज्य हैं, जो बड़ा देव भगवान शिव और शिव की सवारी है नंदी। नंदी की हत्या कोई आदिवासी भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके प्रमाण हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पहले भी कई किताबों से ऐसी प्रकाशित की हैं, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को गौ मांस खाने की बात जिक्र किया है। हम सब लोग, हमारे सांसद ये माननीय नकुल जी, हमारे मित्र यहाँ के काकोलिया जी जो विधायक हैं, हम सब विधायक, हमारे साथी भानोट जी हैं, निया जी हैं, सब लोग मिलकर ये इस मसले को पूरे प्रदेश में ले जाएंगे और जनता के बीच बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के नेतृत्व में आतंक फैलाकर इस प्रजातंत्र की हत्या कर रही है। हत्याकांड के पीछे का है, मामा कहते हैं, मामा इस समय खराब मूड में है। अभी आपने उनके बयान पढ़ा होगा शिवराज सिंह का, मामा का मूड खराब है, जनता होशियार रहे जब उनका नेता इस प्रकार की बात करेगा। जगह जगह शिवराज सिंह के बयान आते, जमीन में गाड़ देंगे, हम ऊपर लटका देंगे, इस प्रकार की ट्रेनिंग कैंपरों में दी जाती है। इसीलिए ये आतंकवादी लाठी लिए हुए हैं, जितने अपराधी हैं बजरंग दल के, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ड्रेस पहने हुए, लाठी लिए कैंप चलाकर लोगों को भयभीत करके आगामी सत्ता हासिल करना चाहते। जिस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में आतंक फैलाकर अपना राज्य स्थापित किया था, उसी पद्धति पर मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। अब आपसे ले लूँगा।